हेलो फ्रेंड्स, बागुन्नारा, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बस केवल एक शब्द ही सीखेंगे, लेकिन इस एक शब्द का प्रयोग इतना अधिक होता है कि हमारी बहुत सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। पता है कौन सा शब्द? बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, चाहिए। कौन सा शब्द फ्रेंड्स? चाहिए, वांट। तो फ्रेंड्स, चाहिए का प्रयोग तो होता ही है, कितने रूप में होता है? चाहिए, चाहिए क्या? हाँ चाहिए, नहीं चाहिए, होता है ना। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे चाहिए का प्रयोग। चाहिए को कहते हैं कावाली। कावाली, कावाली मतलब होता है चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके साथ में हमें क्या है? मुझे चाहिए, इसे जानना है। तो इसके लिए हमें मुझे शब्द को जानना पड़ेगा। मुझे, तो मुझे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? नाकू। नाकू मतलब मुझे, नाकू मुझे, कावाली चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो भी चीज चाहिए उसको कैसे प्रयोग करेंगे। नाकू पाल कावाली। पाल, पाल मतलब होता है फ्रेंड्स दूध। मुझे दूध चाहिए, नाकू पाल कावाली। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, यदि हमें कहना है मुझे पानी चाहिए, पीना है, नाकू मंचनीर। मंचनीर मतलब होता है फ्रेंड्स पानी, ठीक है ना। पानी को मंचनीर कहते हैं। नाकू मंचनीर कावाली, मुझे पानी चाहिए। यदि हम बोलना है चाय फ्रेंड्स, तो चाय को हालांकि तेनीर बोलते हैं तेलुगु में, लेकिन अब तेनीर कोई नहीं बोलता, सब टी ही बोलते हैं। तो नाकू टी कावाली। उसी प्रकार फ्रेंड्स, यदि बटर मिल्क पीना है, छाछ पीना है, तो उसको कहते हैं मज्जिगी। मज्जिगी, मज्जिगा दोनों बोलते हैं, ठीक है, मज्जिगा या मज्जिगी। तो नाकु मज्जिगा कावाली, नाकु मज्जिगी कावाली मतलब मुझे छाछ बटर मिल्क चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जो भी चीज चाहिए फ्रेंड्स, उसका नाम हम लोग बीच में रख देंगे और फिर नाकु कावाली मतलब मुझे, नाकु मतलब मुझे और कावाली मतलब चाहिए, मुझे चाहिए। और फ्रेंड्स, इसी प्रकार से यदि हमें किसी सामने वाले से पूछना है, सामने वाले से पूछना है, तो फिर क्या बोलेंगे? फिर हम लोग कहेंगे फ्रेंड्स कावाला। फिर उसमें हम लोग बोलेंगे कावाला मतलब चाहिए क्या। यदि हमें कहना है चाहिए क्या किसी भी व्यक्ति को, तो फिर कहेंगे कावाला, कावाला चाहिए क्या। सेम उसी तरह से जैसे पानी चाहिए मंचनीर कावाला, देखिए उसी तरह से मंचनीर कावाला, मंचनीर, मंचनीर कावाला मतलब पानी चाहिए क्या। कॉफी कावाला, कॉफी चाहिए क्या। टी कावाला, टी चाहिए क्या। मज्जिगा कावाला, मज्जिगा चाहिए क्या। पाल कावाला, पाल चाहिए क्या। तो चाहिए का के लिए फ्रेंड्स कावाला। उसी प्रकार तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें, तुम्हें के लिए फ्रेंड्स यहाँ कहते हैं तुम्हें चाहिए क्या। नीकू कावाला, नीकू, नीकू मंचनीर कावाला तुम्हें पानी चाहिए क्या। निकू पाल कावाला तुम्हें दूध चाहिए क्या। निकू मज्जिगा कावाला तुम्हें छाछ चाहिए क्या। उसी प्रकार से फ्रेंड्स, यदि किसी बड़े से बोलना है रिस्पेक्ट, तो बोलेंगे मीकू। फिर वहां पे बोलेंगे फ्रेंड्स मीकू, मीकू कावाला आपको चाहिए क्या। और जो भी चीज चाहिए, मीकू मंचनीर कावाला, मीकू मंचनीर कावाला आपको पानी चाहिए क्या। मीकू पाल कावाला आपको दूध चाहिए क्या। मीकू मज्जिगा कावाला आपको छाछ चाहिए क्या। इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये हो गया कावाला और कावाली। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यदि हमें कहना है नहीं चाहिए, यदि हमें कहना है फ्रेंड्स नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, इसके लिए सिंपल वर्ड से फ्रेंड्स उद्दू, उद्दू मतलब नहीं चाहिए, ठीक है ना। यदि हमें बोलना है मुझे, मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे पानी नहीं चाहिए। देखिए फ्रेंड्स कितना आसान है। मुझे के लिए क्या था? नाकू। पानी के लिए था मंचनीर, नहीं चाहिए, नाकू मंचनीर उद्दू, नाकू मंचनीर उद्दू मुझे पानी नहीं चाहिए। मुझे छाछ नहीं चाहिए, नाकू मज्जिगा उद्दू। मुझे चाय नहीं चाहिए, नाकू टी उद्दू। अब इसके साथ एक और थोड़ा लंबा सेंटेंस सीखते हैं फ्रेंड्स। मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे, मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे दूध चाहिए,
यदि ऐसा बोलना है फ्रेंड्स, मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे दूध चाहिए, तो मुझे दूध चाहिए क्या था फ्रेंड्स? नाकू, मुझे दूध के लिए था पालू, चाहिए के लिए था कावाली, कावाली चाहिए। तो क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे दूध चाहिए, एक साथ बोलेंगे तो नाकू मंचनी ओद्दू नाकू पालू कावा। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, मान लीजिए हमें कहना है मुझे दूध नहीं चाहिए, मुझे छाछ चाहिए, तो इसे हम तेलुगु में कैसे कहेंगे? तो फ्रेंड्स, इसे हम तेलुगु में कैसे कहेंगे फटाफट कमेंट्स करके बताइए। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर लीजिए, बहुत अच्छी लगती है तो दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।